व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वीडियो का कि काटन सिल्क कैसा होता है और काटन सिल्क मालूम कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हम आपको इस किस्म के वीडियो लाते रहते हैं जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ जाते हैं। तो चले जी, आप टॉपिक की तरफ चलते हैं कि काटन सिल्क को कैसे मालूम करना है। अब जब आप मार्केट जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि ये काटन सिल्क है, तो काटन सिल्क का मतलब ये है कि यह जो एक धागा है इधर से और इधर से, इसमें एक धागा काटन का है, एक धागा सिल्क का है, तो तब ये काटन सिल्क है। वो कपड़ा नरम भी होगा, वो उसमें थोड़ा सा शाइनिंग भी होगा और आपको धोखा दिया जाएगा कि ये काटन सिल्क है। लेकिन अगर आपको शक है कि ये काटन सिल्क नहीं होगा या होगा आपको पता नहीं, तो चले आज मैं आपको समझाता हूँ कि काटन सिल्क को कैसे मालूम करना है। तो क्या करना है, आपको जब कोई तान दिखाएगा, कुछ भी दिखाएगा कि ये काटन सिल्क है, तो आपको वहाँ से उस तान से एक थोड़ा सा पीस लेना है। कैंची से आप इतना पीस ले रहे, जो बेचने वाला है वो आपसे मना नहीं करेगा कि मुझे पीस, मैं आपको पीस नहीं दूंगा, ज़रूर देगा, इतना सा पीस वो आपको देगा। और आपने क्या करना है, उसको लाइटर से, उसको माचिस से जलाना है। कैसे जलाना है, ये इधर के जो धागे हैं अलग कर देना है और इस साइड के जो धागे हैं अलग कर देना है, यानी दो दो चार चार धागे, ताकि जलाने में आपको आसानी हो और पता चले थोड़ा सा ज़्यादा धागे, ठीक है कि नहीं। ऐसा इकट्ठा करना है एक साइड का और दूसरे साइड के लाइन का अलग अलग। तो पहले आपने एक साथ चार पाँच इसी तरह धागे एक साइड के लेने हैं और दूसरे साइड के भी लेने हैं। माचिस या लाइटर लेके इसको आप जलाएं। जब आप जलाएंगे तो अगर परस कर ये काटन है तो ऐश बन जाएगा, ऐसा ऐश बन जाएगा राख के हाथ से, ऐसा बिल्कुल नरम सा महसूस होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने हाथ में कुछ, अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपके हाथ में पता नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में कुछ है या नहीं है, मसल रहा हूँ, यानी बिल्कुल नरम सा होगा आपका हाथ, आपके जो उंगली है वो काले हो जाएंगे। और अगर ये पॉलिएस्टर था तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, आपका हाथ उसी टाइम जल जाएगा, जब तक ये सुखड़ेगा नहीं, जब तक ये ठंडा नहीं होगा उसी टाइम, और ये एक ऐसा इस तरह गोल सा एक प्लास्टिक की तरह बन जाएगा, तो वो पॉलिएस्टर होगा। अच्छा, दूसरा धागा आप चेक करें, ये तो हो गया कि ये काटन है या पॉलिएस्टर है, और दूसरा धागा जब आप चेक करेंगे तो अगर वो सिल्क था तो सिल्क भी इसी तरह राख बन जाता है, लेकिन हाथ में ऐसा बन जाता है चूरा चूरा, जिस तरह आप कोई पापड़ चिप्स हाथ में इस तरह मसल लेते हैं, जो आलू का चिप्स होता है ना, लेस वगैरह, वो हाथ में इस तरह मसलने से दाना दाना सा बन जाता है, पर मिसल के यानी राख बन जाता है, ऐश बन जाता है, लेकिन थोड़ा मसलना पड़ेगा और चूर चूर करके आपको महसूस होगा कि मैं इसको चूर चूर कर रहा हूँ, और वो ऐसा होगा सिल्क, और एक खुशबू छोड़ेगा, एक अच्छा सा खुशबू छोड़ेगा जो सब लोगों को अच्छा लगता है। काटन में और पॉलिएस्टर में वो खुशबू नहीं होता है जो सिल्क में है, वो आपको महसूस होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें सिल्क का धागा नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, या पॉलिएस्टर है उसमें, या दोनों धागे अगर काटन के हैं तो तब भी उसमें सिल्क नहीं है, जिस तरह काटन ऐसा ऐश बन जाता है और नरम मुलायम होता है।